हेलो दोस्तों, यस प्रश्न में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे, तो आप लास्ट तक देखना। कुछ इसमें रिलेटेड बैक्टीरिया से रिलेटेड हमारे हैं कि मतलब बैक्टीरिया कौन सा, डिजीज कौन सा होता है, वायरसेस कुछ के समथिंग इसमें है, क्वेश्चन हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ डज साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन अकर्स इन ह्यूमन। दोस्तों मानव में जो साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण कैसे होता है, तो इसमें ऑप्शन में है ड्रॉपलेट, इनोकुलेशन, इंजेशन, सेक्सुअल कंटेक्ट। इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा इंजेशन। इंजेशन से हमारा क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन ह्यूमंस में होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर होपिंग कफ इज। दोस्तों जो कुकुर खांसी होता है उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनिज्म, जो जिम्मेदार ऑर्गेनिज्म होता है कौन सा है, मतलब कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिज्म में। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द होपिंग कप, जो कुकुर खांसी होता है। तो इसमें सर ऑप्शन में है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, बोर्डेटेला परट्यूसिस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बोर्डेटेला हमारा परट्यूसिस हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बोर्डेटेला परट्यूसिस। दोस्तों जो हमारा क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी है इसे टिटेनस होता है। ई कोलाई से जो हमारे होते हैं दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, एब्डोमिनल एंड पेल्विक इन्फेक्शन होता है, निमोनिया हो जाता है बैक्टीरिया की, तो और मेनिनजाइटिस भी होता है। तो हमारे किसे, ई कोलाई से। और स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फाइनजाइटिस बोलते हैं, टॉन्सिलाइजाइटिस बोलते हैं जो टॉन्सिल्स में होता है, स्कारलेट फीवर हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होता है हमारा क्या, स्ट्रेप्टोकोकस से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि सिफिलिस के लिए हम यूज नहीं करते हैं। इसमें ऑप्शन में है बिडाल टेस्ट, जैसा आपकी पता है कि टाइफाइड के लिए करते हैं, बीडीआरएल सिफिलिस के लिए करते हैं, कौन टेस्ट ये भी सिफिलिस के लिए है, वाटर, दोस्तों यहाँ पे वॉशरमैन रहेगा, WASS रहेगा वॉशरमैन जो हमारा है, तो ऑसरमैन रिएक्शन इसके लिए भी सिफिलिस के लिए करते हैं। तो इसमें से कौन सा हम डायग्नोसिस करते हैं सिफिलिस के लिए नहीं करते हैं यूज, हमारा बिडाल टेस्ट हो गया। बिडाल टेस्ट में किसका करते हैं, टाइफाइड। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बिडाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेल्विक अल्सर। दोस्तों इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें ऑप्शन में है एच हाइलोरी, दोस्तों यहाँ पे पाइलोरी हो जाएगा, आर आई होगा पाइलोरी। और अगला क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस जो हमारा ऑप्शन है, स्टेफाइलोकोकस एल्बस है, ई कोलाई। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर हमारा हो गया क्या, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये हमारा पेप्टिक अल्सर जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए। और लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों जानते हैं आपकी जो दूध दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, वेजानल में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को। स्टेफाइलोकोकस एल्बस जो है कि स्किन इन्फेक्शन होता है, और ई कोलाई आप लोगों को पहले बता दिया था मैंने कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एब्डोमिनल और पेल्विक इन्फेक्शन में ये हमारे ई कोलाई रोल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज डेंटल कैरीज। दोस्तों डेंटल कैरीज में जो हमारे दांतों के जगहों में भी मसूड़े जो होते हैं उसमें छिद्र हो जाते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इसमें से कॉज करता है। तो इसमें से ऑप्शन में है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, लैक्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस, ई कोलाई। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दोस्तों लैक्टोबैसिलस की जगह पे, लैक्टोबैसिलस की अगर जगह पे अगर आपके स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो होता है उसी में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो भी प्ले अपना रोल करते हैं ये डेंटल कैरीज में। आमतौर पे क्या होता है कि मानव के जो मौखिक गुहा है उसमें पाया जाता है, और ये दांतों में सड़न को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है सड़न करने के लिए। दोस्तों तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस की जगह पे अगर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होगा तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैक्टोकोकस। और डेंटल कैरीज दोस्तों इसमें तीन टाइप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेंटल कैरीज शो करते हैं, जिसमें है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस सॉर्बिनस। दोस्तों हमारा क्या हो जाए, राइट आंसर हमारे इसमें क्या हो जाए, लैक्टोबैसिलस। इसमें से ऑप्शन में हमारे तीनों में से क्या है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता, स्ट्रेप्टोकोकस अगर सॉर्बिंग नष्ट होता तो हमारा सही होता, इसमें हमारा लैक्टोबैसिलस था, लैक्टोबैसिलस राइट आंसर हमारा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रैकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों ट्रैकोमा जो है एक प्रकार का डिजीज़ है जो कि आई में कॉज करता है, और जो बैक्टीरिया कॉज करता है एक क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस का, जो ये हमारा बैक्टीरिया क्या करता है, कॉज करता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटाइटिस। तो
तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किस पार्ट में हमारा कॉज करता है, आई में हो करता है। जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस जो हमारी बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और इन्फेक्शन कहाँ होता है, आई में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आई ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वायरस। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि वायरस के चारित्रिक विशेषताओं में शामिल नहीं होता है। इसमें ऑप्शन में है, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर फाउंड इन देम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन फाउंड नॉट फाउंड इन देम, दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, दे आर सेंसिटिव ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसमें पूछ रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर फाउंड इन देम, मतलब जो वायरस हमारे होते हैं उसमें हमारा डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। इसमें से कथन जो हमारा नॉन इंक्लूडेड हमारा कौन सा ये है दोस्तों इसमें नॉट इंक्लूडेड लिखा है, कौन सा कैटेगरी फीचर वायरस से नहीं होता है, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ आरएनए और डीएनए, इसमें हमारा राइट आंसर हमारा हो गया ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया और जो गुण है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से अलग करता है। इसमें ऑप्शन में है, प्रेजेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ बाइनरी फ्यूजन्स, सेंसिटिविटी ऑफ द एंटीबायोटिक, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इसमें से ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाए, जिसमें हमारा जितने भी हमारे इसमें पॉइंट हैं वो सब डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से, प्रॉपर्टी को डिफरेंस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा और किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ऑप्शन में है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, बोथ, ऑप्शन ए एंड बी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वायरसेस, जो वायरस होते हैं उसमें हमारे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे वायरस में जो होते हैं राइबोसोम्स की ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एचआईवी क्या है। एचआईवी इसमें हमारा डीएनए रेट्रोवायरस है, आरएनए रेट्रोवायरस है, या डीएनए टोगा वायरस है, आरएनए टोगा वायरस है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आरएनए रेट्रोवायरस, हमारे आरएनए रेट्रोवायरस। एचआईवी किस टाइप का हमारा है, आरएनए रेट्रोवायरस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एचआईवी, मतलब निम्न में से एचआईवी का अद्वितीय मॉर्फोलॉजिक लक्षण कौन सा है। इसमें ऑप्शन में है, इट्स विरियोन इज रेक्टेंगुलर, और दूसरा है सिलेंड्रिकल शेप, न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड इन इट्स मैच्योर विरियोन्स, और इसके बाद हमारा है कि, और इसके नीचे हम देखेंगे अभी दो ऑप्शन जो हमारा है, इसमें है इट्स न्यूक्लियोइड इन स्फेरिकल शेप में, इट इज़ द ओनली वायरस विच ऑफ द सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड इन मैच्योर विरियोन्स, जो हमारा विरियोन्स होता है परिपक्व होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल न्यूक्लियोटाइड हमारा पाया जाता है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज जनरली नॉट ट्रांसमिटेड बाई पैरेंटल रूट। दोस्तों इसमें से कौन सा वायरस है कि जो जनरली ट्रांसमिट नहीं होता पैरेंटल रूट के थ्रू। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हमारा जो, दोस्तों पहले क्वेश्चन समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज जनरली आर नॉट ट्रांसमिटेड बाई पैरेंटल रूट। तो इसमें से हमारा पूछ रहा है कि मतलब कि निम्न में से कौन सा वायरस सामान्यतः जो पैरेंटल मार्ग द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो हेपेटाइटिस बी भी हमारा ट्रांसमिट वायरस पैरेंटल रूट से हमारा क्या ट्रांसमिट हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी भी हो जाएगा, एचआईवी भी हो जाएगा, मिसल जो हमारे होते हैं खसरा जिसे बोलते हैं ये ट्रांसमिट नहीं होता हमारा जनरली पैरेंटल रूट से। तो राइट आंसर हमारा क्या, मिसल्स रूट हो, जैसे हम खसरा बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, द नेम ऑफ वायरस दैट स्प्रेड चिकन पॉक्स इज। दोस्तों मतलब कि जो हमारा ये इसमें से जो वायरस है कौन सा है जो चिकन पॉक्स को स्प्रेड करता है, चिकन पॉक्स को फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है। द नेम ऑफ वायरस दैट स्प्रेड चिकन पॉक्स इज, मतलब वायरस का जो स्प्रेड करता है चिकन पॉक्स को उस वायरस का नाम क्या है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर हो जाएगा। वेरिसेला जोस्टर जो हमारा होता है चिकन पॉक्स को स्प्रेड करता है,
वेरियोला जो हमारा दोस्तों है स्मॉल पॉक्स को हमारा क्या करता है स्प्रेड करता है। बेसिनिया जो है हमारा तो बेसिनिया जो हमारा है स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स इस हमारे का स्प्रेड करता है। और साइटोमेगालो वायरस जो हमारा है किसको करता है हर्पिस वायरस के उसमें आता है उसमें हो गया ये या चिकन पॉक्स में भी करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें से कौन सा कॉज करता है। दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है हमारा थ्री टाइप्स के होते हैं इन्फ्लुएंजा ए इन्फ्लुएंजा बी इन्फ्लुएंजा सी। तो तीन टाइप के हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उसमें से जो हमारा आर्थोमैक्सो वायरस है ये जो जीनस है ये आर्थोमैक्सो वायरस जो हमारा है दोस्तों ये जीनस इन्फ्लुएंजा वायरस के तो ये हमारा जो है उसमें से जो कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस ये हमारा आर्थोमैक्सो वायरस करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू द इंटरफेरॉन्स। इसमें से कौन सा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरफेरॉन के सेंसिटिव होता है। दोस्तों इंटरफेरॉन्स के उसमें सेंसिटिव अपना संवेदनशील दिखते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव द इंटरफेरॉन्स। निम्न में से कौन से प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इंटरफेरॉन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है बैक्टीरिया वायरस माइकोप्लाज्मा रिक्सिया। तो इससे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वायरस। वायरस जो होते हैं हमारा इंटरफेरॉन्स के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं सेंसिटिव होते हैं ये वायरस हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू राइव से पोस्टुलेट एक्सप्लेन। दोस्तों इसमें से जो राइव पोस्टुलेट किसकी व्याख्या करता है इसमें ऑप्शन में है द कॉजिटिव रोल ऑफ वायरस इन एनी डिजीज सेट ऑफ द रूल्स ऑफ स्टेबलिस। इसका मतलब हो गया किसी बीमारी में वायरस के कॉजिटिव रोल का इस्टेब्लिश करने वाले नियमों का समूह और क्राइटेरिया ऑफ होल्डिंग एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डिजीज। किसी बीमारी के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का जिम्मेदार ठहराने का क्राइटेरिया जो हो गया फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया किण्वन प्रक्रिया जो हो गया स्टेरिलाइजेशन हो गया। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा द कॉजिटिव रोल ऑफ वायरस इन एनी डिजीज सेट ऑफ द रूल एस्टेब्लिश। जो हमारा राइप्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है किसी भी बीमारी में वायरस के कॉजिटिव जो हमारे रोल्स को एस्टेब्लिश करने वाले नियमों का समूह को ये हमारा जो राइप्स पोस्टुलेट है वो एक्सप्लेन करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। मतलब इसमें से कौन सा डीएनए वायरस है, इसमें से एक डीएनए वायरस है बाकी सब आरएनए वायरस हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से डीएनए वायरस हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉक्स वायरस। जो पॉक्स हमारा वायरस है ये हमारा डीएनए वायरस है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पॉक्स वायरस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस। इसमें से आरएनए वायरस कौन सा नहीं है। इसमें से ऑप्शन में देखो है टोगा वायरस रियो वायरस पैरामैक्सो वायरस हर्पिस वायरस। तो इसमें से हमारा क्या हमें क्या बताना है दोस्तों, इसमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस, इसमें से आरएनए वायरस कौन सा नहीं है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है आरएनए वायरस कौन सा नहीं, हर्पिस वायरस। जो हर्पिस वायरस है दोस्तों आरएनए वायरस हमारा ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस। इसमें से कौन सा डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस कौन सा है। तो दोस्तों पॉक्स वायरस भी है एडिनो वायरस भी है पेपो वायरस भी है ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हमारा क्या ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे जितने भी इसमें दिए गए हैं बैक्टीरिया ये हमारे डीएनए इसमें जितने भी वायरस दिए गए हैं ये हमारे डीएनए वायरस हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेट फ्रॉम विच स्पेसिमेन। दोस्तों अगर हम ये पोलियो के जो पोलियो होता है अगर पोलियो का हमें वायरस को अगर आइसोलेट करना है तो हम किस स्पेसिमेन से किया जा सकता है, मतलब हम कौन से स्पेसिमेन ले करके हम कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में है फ्रॉम स्पूटम फ्रॉम फिशेज फ्रॉम सलाइवा फ्रॉम यूरिन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो आएगा फ्रॉम फिशेज, जो हमारे स्टूल होते हैं इससे हम क्या करते हैं सैंपल ले करके हम पोलियो वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ विच सेल ड्यूरिंग एच आई वी इन्फेक्शन इम्यूनिटी इज रिड्यूज। दोस्तों एच आई वी के संक्रमण के दौरान कौन सी कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाता है रिड्यूज इम्यूनिटी लो हो जाती है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ विच सेल्स मतलब कि संख्या में कौन सी कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी हमारी है वो रिड्यूज हो जाती है। इसमें ऑप्शन में है सी डी फोर सेल्स रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट सेल्स
और हमारा जो अगला सेल्स है कौन सा है, बी लिम्फोसाइट। इसमें राइट आंसर हमारा जो होगा सी डी फोर सेल जो हमारा है, ये हमारे रिड्यूज हो जाते हैं सेल्स, जिससे एच आई वी इन्फेक्शन के दौरान में इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेथड इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम एड्स को डायग्नोसिस कर सकते हैं, यूज करते हैं मतलब डायग्नोस करने के लिए एड्स की, कौन सी इसमें से मेथड है। इसमें ऑप्शन में एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा दोनों ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा, एलाइजा टेस्ट के थ्रू हमारा एड्स का डायग्नोसिस किया जा सकता है मेथड द्वारा, वेस्टर्न ब्लॉट द्वारा, रेडियो इम्यूनो ऐसे द्वारा, रिया द्वारा भी ये करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द फुल नेम ऑफ एलाइजा इज, एलाइजा का फुल नेम क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करके कमेंट में बताना है आपको कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है। तो 23 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। जब कमेंट करने लगेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उसके बाद फिर उसका आंसर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हुआ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस मेनली बाई विच रूट। ये भी आपको कमेंट करके बताना है, दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि हेपेटाइटिस ए जो वायरस होता है मेनली कौन से रूट के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो इसमें पेरेंटल रूट, फिकोरल रूट, इनोकुलेशन रूट और इट इज ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो इसमें आपको कमेंट करके, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको कमेंट करना है आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा।